आप सभी का सम्मान है। साथियों, हमें इन प्रयासों को आगे भी बनाए रखना है, उन्हें और रफ्तार देनी है और ये आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से ही संभव होगा। मुझे विश्वास है आपके आशीर्वाद और रानी दुर्गावती की प्रेरणा ऐसे ही हमारे पथ प्रदर्शन करती रहेगी। अभी शिवराज जी बता रहे थे कि 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती आ रही है। मैं आज जब आपके बीच आया हूं, रानी दुर्गावती के पराक्रम की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, तो मैं आज देशवासियों के समक्ष घोषणा करता हूं कि रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म शताब्दी पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी। रानी दुर्गावती के जीवन के आधार पर फिल्म बनाई जाएगी। रानी दुर्गावती का एक चांदी का सिक्का भी निकाला जाएगा। रानी दुर्गावती जी का पोस्टल स्टैम्प भी निकाला जाएगा और देश और दुनिया में 500 साल पहले जन्म हुए इस हमारे लिए पवित्र माँ के समान उनकी प्रेरणा की बात हिंदुस्तान के घर 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 पहुंचाने का एक अभियान चलाएगा। मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और हम सब साथ मिलकर विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। अभी मैं यहां से कुछ आदिवासी परिवारों से भी मिलने वाला हूं, उनसे भी कुछ आज बातचीत करने का मुझे अवसर मिलने वाला है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, सिकल सेल, आयुष्मान कार्ड, आपकी आने वाली पीढ़ियों की चिंता करने का मेरा बड़ा अभियान है। आपका मुझे साथ चाहिए, हमें सिकल सेल से देश को मुक्ति दिलानी है, मेरे आदिवासी परिवारों से को इस मुसीबत से मुक्त करवाना है। मेरे लिए मेरे दिल से जुड़ा हुआ एक काम है और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरे आदिवासी परिवारों का मुझे साथ चाहिए। आपसे यही प्रार्थना करता हूं, स्वस्थ रहिए, समृद्ध बनिए, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देवी सज्जनों, ये है हमारे श्रद्धेय पंत प्रधान, हमारे परिवार के मुखिया की हम सभी के लिए इतना सोचने का, चिंता करने का उनका जज्बा, उनकी लग्न, उनकी कर्मनिष्ठा के लिए हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी को हम सभी के लिए सोचने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। देवी सज्जनों, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इतनी बड़ी सौगात हम सभी को, विशेष रूप से जनजातीय समाज को मिली। आप सभी इसके पात्र हैं, इस आयुष्मान भारत के और साथ साथ सिकल सेल अनीमिया का मिशन के। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, थोड़ी देर के लिए स्थान पर बने रहें, हमारे प्रतिनिधि आपको गाइड करेंगे कि किस तरफ आपको जाना है, कहां पर किस कौन सा रास्ता लेना है। और कृष्णा, अरे ये आपकी उंगली ये स्किप बटन पे क्या कर रही है? अरे इसको हटा लो। अरे दो मीठी बातें बोलनी है हमें तो आपसे। सबसे पहले तो धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सहयोग दिया है हमारे रुक्मिणी द्वारकाधीश इस्कॉन द्वारका मंदिर के लिए, धन्यवाद। अब हम मंदिर के फाइनल फेज में पहुंच गए हैं, यानी कि स्ट्रक्चर पूरा हो गया है,
लेकिन अब अगले एक साल में हमको फिनिशिंग करनी है और फिनिशिंग में हमें ज्यादा लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है आपको, आगे भी वही चलाएगा। भगवान का मंदिर आप नहीं बनाएंगे तो भला कौन बनाएगा। तो इसीलिए इसी प्रकार से सहयोग देते रहिए प्लीज। और अब हमें